नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे और पापड़ से बहुत ही आसान सा नाश्ता बनाने वाले हैं। ये नाश्ता देखने में जितना क्रिस्पी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इस तरह का नाश्ता बनाकर जब आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बड़े ही शौक से इसे खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, 1/4 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और लगभग 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर तेल डाल देंगे। इन सबको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सत्ता आटा गूंद लेंगे। जैसे कि हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह का आटा लगाएंगे हम इसके लिए। तो इस तरीके से हमने इसका सत्ता आटा लगा लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं। तब तक आटा थोड़ा सेट हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आटा गीला नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो नाश्ता है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 मूंग के पापड़ लेंगे और इन पापड़ के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। इन पापड़ को मैंने पहले ही सेक कर रखा हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पर मूंग के पापड़ की बजाय चने के भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम बिल्कुल इसकी बारीक चूरी बना लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि मिक्सी में ना पीसे इसको, नहीं तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो पापड़ की चूरी बनकर के तैयार है। इधर करीब 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार हम हाथ से इसे अच्छे से मसल करके इसे चिकना कर लेंगे। अब हम इसमें से एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेंगे और इसकी लोई बना करके इसे बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है और इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना हमें। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके बाद डाल देते हैं हम इस पर थोड़ी सी अजवाइन, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। थोड़ा सा ओरिगेनो, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया खट्टा सा टेस्ट आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम इस पर डाल देते हैं थोड़ी सी पापड़ की चूरी। अब हम इसको धीरे से फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेस नहीं करेंगे, वरना इसमें से जो चूरी है वो निकल सकती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे रोल बना लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। और इसे उठा करके इस तरीके से हाथ से प्रेस कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। बिल्कुल हल्के से हाथ से इसे प्रेस करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो रोटी बेल रहे हैं थोड़ी सी मोटी बेलें, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा बनेगा, वरना इसमें से मसाला निकल सकता है। तो इस तरीके से हमने सभी को यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया है। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। इसके लिए गैस पर हम पैन चढ़ाकर उसमें ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल जब हल्का सा गर्म होने लगे तब हम एक एक करके नाश्ता इस पर रख देंगे। और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। ये नाश्ता बना करके आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा।
और दूसरी तरह से भी सीखने पर हम इन्हें इसी तरह से पलट लेंगे। तो आप देखिए दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमने इन्हें अच्छे से सेक लिया है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे वरना ये जल सकते हैं, और एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से हमारे जो पिन व्हील्स हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। लीजिए हमारे गेहूं के आटे और पापड़ के पिन व्हील्स बन करके रेडी हैं, और आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और उतने ही क्रिस्पी भी हैं। तो बहुत ही कम तेल में हमारा जो है नाश्ता है बन करके रेडी हो गया है। आप इसे बना करके बच्चों को टिफिन में रख सकते हैं, बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ खाइए। आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप इस तरह का नाश्ता बना करके पहले रख सकते हैं और जब आपका मन हो तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं और इसे गर्मा गर्म ही खाइए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।